पढ़ दिया जाए इस कलाम को, तैयार है? तो मैं एक बात बताने जा रहा हूँ। गौसे आजम इरशाद फरमाते गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं कि मेरा नाम जमीन पर वही लिख सकता है जिसको मैं चाहूं, और अगर मैं ना चाहूं तो वो उम्र भर रगड़ रगड़ के लेने की कोशिश करे तब भी वो नाम मेरा नहीं ले पाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप गौसे आजम के मर्जी के मुताबिक, गौसे आजम के मर्जी के लिए आप दोनों हाथ उठाएं और कह दें या गौसे आजम। वो कभी गरीब हो ही नहीं सकता। क्यों? क्यों? वो कहता है कि क्यों किसी चीज का मुझको गम हो। अरे क्यों किसी चीज का मुझको गम हो। अरे जब करम पे है बजता दीवार। अरे क्यों किसी चीज का मुझको गम हो। क्यों किसी चीज का मुझको गम हो जब करम पे है बख्ता दीवार। मैं तमामी अराकीन कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जी जी कादिर अज़ी हबीबी कमेटी, अल्लाह ताला इन भाइयों को सलामत रखे। अरे सबके घरों में भी पन्ना बरकतें अता फरमाए। एक गौसे आजम के जश्न मनाने वालों खुश नसीब है आप। क्यों? अरे गौसे आजम की महफिल सजी है। अरे गौसे आजम की महफिल सजी है, इसलिए हर तरफ चांदनी है। शेर से वही लोग बोलिएगा जिनके दिलों में गौसे आजम की सच्ची मोहब्बत बसी हुई है। अरे गौसे आजम की महफिल सजी है, इसलिए हर तरफ चांदनी है। खुशबू में कह रही है कि जलवा, खुशबू में कुछ लोग नबी के बराबरी का दावा करता है, लेकिन उन कमबख्तों कह दो कमबख्तों को कि पहले गौसे आजम के रुतबे को देखो, फिर बाद में कुछ उंगली करना। अरे ससरे पारे को माँ के सितम में, अरे ससरे पारे को माँ के सितम में याद करके वो दुनिया में आगे, याद करके वो दुनिया में आवे। अरे सतरे पाले
हाथ उठा ले और कह दे या गौसे आजम, गंजो से या गौसे आजम, सुनियो गौसे आजम का पुकार पुकार कर तिबला के हवाले कर रहा है। अरे सुने कसम खुदा की हम सुन्नियों का क्या अकीदा है, सुन्नियों कोई जरूरी नहीं कि आप जबान से गौसे आजम को कुछ कहें, ऐसा कुछ नहीं, आप दिल में रखें तो फिर क्या होगा। सुने हाले दिल में उन्हें क्यों बताऊं, क्या गौसे आजम हाले दिल में तुम्हें क्यों बताऊं, अपने गम में तुम्हें क्यों सुनाऊं, अपने गम में उन्हें क्यों सुनाऊं, अरे हाले दिल में उन्हें क्यों बताऊं, अपने गम में उन्हें क्यों बताऊं, अपने गम में उन्हें क्यों बताऊं, मैं वो किस हाल में खबर सब, मैं वो किस हाल में ये खबर सब, अरे मेरी रखते हैं बगदा देवा, मैं वो किस हाल में ये खबर सब, मेरी रखते हैं बगदा देवा। वो के साथ मक्का मुलाहन फरमाए और मक्का ये मक्का शायर आजम हिंदुस्तान भाई हबीबुल्लाह फैजी के हवाले कर रहा हूँ। सुने कि उनकी परिवार से अख्तर न पूछो, अरे उनकी परिवार से अख्तर न पूछो, इस कराम को भी पढ़ के देखो, इस कराम को भी पढ़ के देखो। मैं दुआ करता हूँ मौला या गौसे आजम एक दिन हमारे घर में भी मेहमान हो जाएंगे, क्योंकि हम सुन्नियों का अकीदा है। दुआ के साथ मुलाहिदा फरमाए, फैजगी कह दे या गौसे आजम, दोनों से या गौसे आजम, कि उनकी परिवार से अख्तर न पूछो, इस करामत को भी पढ़ के देखो, इस करामत को भी पढ़ के देखो, कि उनकी परिवार से अख्तर न पूछो, इस करामत को भी पढ़ के देखो। एक ही वक्त सत्तर घरों में, एक ही वक्त सत्तर घरों में, आते जाते हैं बगदा देवार, में
कि उनकी परवाज़ अख्तर ना पूछो, इस कलामत को भी पढ़ के देखो। उनकी परवाज़ अख्तर ना पूछो, इस कलामत को भी पढ़ के देखो। एक ही बात सत्तर घरों में आते जाते हैं बगदाद वाले, एक ही बात सत्तर घरों में आते जाते हैं बगदाद वाले। एक नजर जिस पे अपने